चलनी के चालल दुला सुप के झटकारल दिया का के लागल भर दू उरे बाजा बाजल पिया गोलन काला कतावाए सजनी तुरी दिहलन पति पतनी के नतावाए सजनी। भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के साथी और लौंडा नाच को वर्तमान समय तक जीवित रखने वाले आखिरी लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का बीमारी के बाद निधन हो गया। भिखारी ठाकुर के नाटक मंडली के सदस्य रहे रामचंद्र मांझी के निधन से सारण जिला समेत पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। सांसद राजीव प्रताप रूडी और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय समेत तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। का उल्टा आना उल्टा जाना, उल्टा सभी समान हुआ का उल्टा, मुड़ी का भौरे हमने के जन्म होला, आ गोर से चले लगता नहीं, एगो उल्टे कहे अमर गैला पर, अमरियो गैला पर लोग ले जाई गंगा जी, तब जे गंगा जी ले जाए पानी तो गंगा गंगा सत कहे के चाहे तो ले जाता नहीं गंगा आ राम नाम सत है। अरे पिया राम नाम भरोसा होरी रे मां गौरतलब है कि रामचंद्र मांझी भिखारी ठाकुर के मंडली के आखिरी व्यक्ति बचे थे। उन्होंने बुधवार की रात पटना के IGIMS में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। रामचंद्र मांझी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान सिर्फ 84 वर्षीय रामचंद्र मांझी जी का ही नहीं था बल्कि पूरे सारण जिला और पूरे भोजपुरिया समाज का था। ठाकुर रंग मंडल के ओर से हमने के विदेशिया लेके चल रहल बने आप मंडल सुतर हो आ का कहने स्वामी जी तहरा से को सलाह बा भला कौन सलाह बाटे सलाह है बा कि हमार मन करता को कत जाए के का सलाह दे तरु इससे सबने खुद को गौरवान्वित महसूस किया था। सारण के तुझारपुर गांव में जन्मे रामचंद्र मांझी ने लगभग 10 वर्ष के उम्र से ही अदाकारी शुरू कर दी थी। शीघ्र ही ये प्रसिद्ध लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के संपर्क में आ गए। भिखारी ठाकुर के देहांत के बाद भी उनकी परंपरा को जीवित रखने का श्रेय रामचंद्र मांझी जी को जाता है। 2017 में इन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी विदेशिया और बेटी बिछुआ के प्रसंग से दर्शकों को भाव विभोर कर देते थे। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।